हम बचपन से चाइल्ड लेबर, वुमेन हरासमेंट, एजुकेशन प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जैसे कुछ टॉपिक्स को सुनते आ रहे हैं। बहुत बार स्कूलों में इन सब टॉपिक्स पे हमने ऐसे भी लिखे हैं, लेकिन आज हम इन सभी प्रॉब्लम्स को एक ही जगह और एक ही लोगों के साथ देखेंगे। आज इस मॉडर्न इंडिया में जो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क होता दिखाई दे रहा है, वो एक अच्छा सिंबल है हमारे देश के लिए, क्योंकि यह एक डेवलपमेंट को दिखा रहा है। लेकिन इन कंस्ट्रक्शंस में यूज होने वाले ईंटों को बनाने वाले लोगों की कंडीशंस क्या है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। एक ग्लोबल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन लोग, जो कि इंडियन पॉपुलेशन का 1.4% है, वे लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह ईंट भट्टों, कारपेट इंडस्ट्री, बेंगल इंडस्ट्री, अन्य कुछ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनमें वो बच्चे शामिल नहीं हैं जो चाइल्ड लेबर की तरह कार्य करते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख ईंट के भट्टे हैं, जिसमें काम करने वाले लोगों की कंडीशंस काफ़ी गंभीर हैं। वो देश के डेवलपमेंट के रिवर्स में चले जा रहे हैं। सुखी राम, जो कि साउथ ईस्ट ऑफ लखनऊ का रहने वाला है, उनका कहना है कि मेरे पिताजी ने लगभग आज से 40 साल पहले भट्टा मालिक से 7,000 का लोन लिया था मेरे दादाजी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हम लोग अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बंधुआ मजदूर की तरह काम किए जा रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। मेरे पिताजी 15 साल पहले चल बसे थे, लेकिन मैं अभी तक लोन पे नहीं कर पाया। ये कहानी बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन यह किसी एक परिवार की नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ ऐसा ही हो पा रहा है। इन ईंटों को बनाने के लिए प्रोसेस भी काफ़ी टफ होती है, और बदले में इतना ही नहीं मिल पाता कि वो सही ढंग से सर्वाइव कर पाएं। इसी के चलते बच्चों की पढ़ाई और खाने की प्रॉब्लम्स हमेशा इन लोगों के साथ बनी रहती है। इन लोगों में ज़्यादातर अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे राज्य तक चले जाते हैं इन सब कामों के लिए। इसमें ज़्यादातर SC, ST और माइनॉरिटीज कास्ट के लोग रहते हैं, जो कि अनपढ़ और नॉन न्यूमिरेट होते हैं। ये आसानी से लोन, डिबेट और एडवांटेज के अर्थमेटिक को भी नहीं समझ पाते, और इसी के चलते इन सब का शिकार हो जाते हैं। यह इंडस्ट्री देखने में तो काफ़ी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन उनकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। अगर इंडिया और चाइना का कंपैरिजन की जाए, तो चाइना में इंडिया में काम करने वाले वर्कर्स के आधे ही लोग काम कर रहे हैं, जबकि अगर ईंटों की संख्या देखी जाए तो वो इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है। यानी तो इससे पता चलता है कि इंडिया में इस काम में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। कई बार लोगों को समझाने पर ये प्रोटेस्ट भी करते हैं अपने राइट्स के लिए, लेकिन कंडीशंस नहीं बदलती दिखाई दे रही। उनका कहना है कि सब वस्तुओं का भाव बढ़ रहा है, लेकिन उनकी मजदूरी आज भी वही की वही बनी रही है। BBC के एक आर्टिकल में लिखा है कि 10,000 परिवार उड़ीसा से आंध्र प्रदेश ईंट भट्टों पर काम करने के लिए आए हैं। यहाँ सिर्फ 6 महीने ही काम होता है, उसके बाद वे वापस चले जाते हैं। तो बात करते हैं इन वर्कर्स के बच्चों की। इनके बच्चे सर्दी गर्मी हर मौसम में इन वर्कर्स के साथ ही घूमते फिरते हैं। उनका चेहरा धूल कोल से सना रहता है। इन्हीं के साथ इनकी हेल्थ कंडीशंस काफ़ी ख़राब ही है, और एजुकेशन का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं है, और इसी के चलते ये आने वाले टाइम में भी अपने परिवार की कंडीशंस ठीक नहीं कर पाएंगे। कई बार इनके स्कूल की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं रह पाती। 6 साल के होते होते ये अपने परिवार के साथ काम पर लग जाते हैं। कमला, जो कि 5 बच्चों की माँ है, उनका कहना है कि उनको 1,000 ईंटें बनाने के बदले 200 रुपये मिलते हैं, जो कि उनकी फैमिली के खाने के लिए ही इनफ नहीं है। इसी के चलते उनके 2 यंगर चिल्ड्रन, मधु जो कि 5 साल का है और रानी जो कि 3 साल की है, भूख से चिल्ला रहे हैं। यानी कि बच्चों के साथ 3 सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। अब बात करते हैं यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं की। महिलाओं को 12 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता है, इसी के चलते उन पर परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। इनमें प्रेग्नेंट वोमेन, बच्चे, जवान लड़कियाँ शामिल हैं। राधा, जिसको झारखंड के एक गांव से दूसरी महिला द्वारा किसी ईंट भट्टे पर काम करने के लिए लाया गया, और यहाँ इसको बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए बेच दिया गया। इसका कहना है कि उसको यहाँ पीटा जाता है और डेली रेप भी किया जाता है। यह सिर्फ एक महिला के साथ नहीं है, कुछ एजेंसीज की स्टडीज बताती हैं कि ईंट भट्टों पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसी प्रॉब्लम महिलाओं के द्वारा फेस की जाती हैं। बात करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम की।
100 लोगों को सिलेक्ट किया गया उनकी हेल्थ कंडीशंस की स्टडी के लिए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 25 से 35 साल वाले लोगों में मस्कुलर पेन ब्रीथिंग प्रॉब्लम मुख्य रूप से पाई गई। इसकी वजह है वहाँ का एयर पोल्यूशन और लगातार लंबे समय तक काम करना। एयर पोल्यूशन का इफेक्ट बच्चों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन के साथ भी हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। यहाँ पर अनसेफ और अनहाइजेनिक लिविंग एनवायरनमेंट सबसे बड़ी वजह है इन हेल्थ प्रॉब्लम की। इनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है और ट्रीटमेंट भी कोई गांव में रहने वाले एक नॉर्मल डॉक्टर से ही किया जाता है। इसी के चलते आगे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। 1976 का बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम बच्चों सहित सभी ऋण बंधनों और गैर कानूनी बनाता है। इसके अलावा आईपीसी के तहत रेप, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, लोगों को खरीदना अपराध है, जिसके चलते 10 साल तक की जेल हो सकती है। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के तहत किशोरों के प्रति क्रूरता और नाबालिग की कमाई को रोकना क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए 3 साल की कैद और जुर्माना है। लेकिन PVCHR के संयोजक लेलिन अग्निवेश का कहना है कि कानून तो है लेकिन लागू नहीं हो रहा है। इसी के चलते इन लोगों का इन सब समस्याओं से सामना हो रहा है।